राज्यसभा अध्यक्ष एम वेंकैया नायडू ने हाल ही में यह निर्णय लिया है कि 18 जुलाई से शुरू होने जा रहे मानसून सत्र में राज्यसभा के सदस्य 22 अनुसूचित भाषाओं में से किसी भी भाषा में सदन में अपने वक्तव्य रख सकते हैं। ऊपरी सदन इन भाषाओं में एक साथ व्याख्या करने के लिए सुविधा प्रदान कर रहा है, जिसमें मणिपुरी भाषा भी शामिल है। 5 भाषाओं बोडो, मैथिली, मणिपुरी, मराठी और नेपाली के लिए लोकसभा के दुभाषियों की सहायता ली जाएगी। मणिपुर की राज्यपाल डॉ. नज़मा हेपतुल्ला और मणिपुर विधानसभा के अध्यक्ष वाई खेमचंद ने राज्यसभा अध्यक्ष एम वेंकैया नायडू के इस हालिया निर्णय का स्वागत किया है। राज्यपाल नज़मा हेपतुल्ला ने कहा कि यह मणिपुर समेत पूर्वोत्तर के अन्य सांसदों को सदन में अपनी बात आसानी से रखने में मदद करेगा। अपनी लैंग्वेज में, अपनी मातृभाषा में जो भी बोलता है तो वो अच्छे से बोल सकता है उस इश्यूज को। हमने काफ़ी लैंग्वेजेस तो थी राज्यसभा में जो कवर करते, जो बच गई हैं थी उसके लिए चेयरमैन राइट जो डिसीजन लिया, ये बहुत अच्छी डिसीजन है, ये बहुत अच्छा कदम है। मणिपुर विधानसभा के अध्यक्ष वाई खेमचंद ने भी एम वेंकैया नायडू के निर्णय पर खुशी जताते हुए कहा कि अपनी मातृभाषा में अपने विचार प्रकट करना सबसे आसान है। इंडिया इज अ मिनी वर्ल्ड, डिफरेंट डायलैक्ट, डिफरेंट लैंग्वेजेस, सो इफ दे हैव गॉट द चांसेस टू स्पीक बाय देयर ओन लैंग्वेजेस, द एक्सप्रेशन ऑन देयर ओन लैंग्वेजेस इज बेटर देन अदर लैंग्वेजेस, इज अ गुड स्टेप। Mother language is mother tongue is the best, easier to express their desire. Rajya Sabha ka chairman Venkaiah Naidu ne jo is bar aane wale monsoon session yani parliament ka monsoon session jo 18 july se shuru hone ja raha hai usme har members yani har members of parliament yani MP un logon ko un logon ki matrabhasha mein bolne ke liye adhikar de diya hai। हिंदुओं का पवित्र त्योहार रथ यात्रा नजदीक है, ऐसे में गोमती जिले के उदयपुर शहर में तैयारियां जोरों पर है। शनिवार शाम 4 बजे उदयपुर में रथ यात्रा का शुभारंभ होगा। इसी के तहत पूरे शहर में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक पिछले हर साल की तुलना में इस साल कार्यक्रम को अधिक जोरदार तरीके से आयोजित किया जाएगा, क्योंकि इस बार स्थानीय विधायक तथा मंत्री प्रांजित सिंहा रॉय स्वयं कार्यक्रम में विशेष रुचि ले रहे हैं। रथ यात्रा की शुरुआत जगन्नाथ बारी से होगी, जबकि इसका समापन महादेव बारी में होगा। 7 दिन बाद रथ को पुनः जगन्नाथ बारी लाया जाएगा। इस साल भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम के रथ को बड़ा और आकर्षक बनाया गया है। विधायक विप्लव घोष और मंत्री प्रांजित सिन्हा रॉय दोनों महोत्सव की आयोजन समिति में शामिल है। অন্যান্য বছরের তুলনার সঙ্গে বলতে হয় এই বছর আমরা একদম নতুন রূপে রথকে সজ্জিত করেছি। এই ব্যাপারে সাহায্য করেছে আমাদের মাননীয় মন্ত্রী প্রমোদ সিংহরা মহাশয়, পিডব্লিউডি, এসি এবং উদয়পুরের সুধী নাগরিকবৃন্দ, সবাই এই রথযাত্রা যাতে সুন্দরভাবে হয় এবং রথের মেলা যাতে মানুষ উপভোগ করতে পারে তার জন্য আমরা প্রস্তুতি নিচ্ছি। সবার কাছে কৃতজ্ঞ আবেদন, সবাই যেন এই রথে উৎসবে এসে আনন্দ উপভোগ করে। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC की तरफ से डिफेंडर के तौर पर खेलने वाले भारतीय फुटबॉलर निर्मल छेत्री अब गोवा फुटबॉल क्लब के लिए खेलेंगे। बीते 2 साल से छेत्री जॉन अब्राहम की नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड टीम के लिए खेल रहे थे, लेकिन अब वे विराट कोहली की सह स्वामित्व वाली टीम गोवा FC के लिए खेलेंगे। न्यूज 18 असम नॉर्थ ईस्ट के साथ हुए साक्षात्कार में निर्मल छेत्री ने कहा, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने, खास तौर से जॉन अब्राहम ने मुझे अपनी टीम में खेलने का मौका दिया। मेरा समर्थन करने के लिए मैं अपने सभी मित्रों और फैंस को धन्यवाद देता हूं। And happy to be a part of FC Goa for the 2018-19 season. I look forward for the challenges and it's a new club, a new career for me. So I look forward, I'm really happy. And well, I would like to thank our former club, Northeast United,
and co-owners as well as Mr. John Abraham for the support and the love, and especially the fans of Northeast United who has an immense support in my good and the bad times. So I look forward and I thank all the well-wishers, supporters who has been with me in and around for the football last couple of years. Without them, I wouldn't have reached this peak. So thank you so much and let it coming. Your love, your support is more important than playing in the field. गुरुवार की रात को अगरतला शहर से 40 किलोमीटर दूर जिर्निया इलाके से पुलिस ने कम से कम 2000 किलो सूखा भांग बरामद किया। पुलिस के मुताबिक बरामद भांग की कीमत 40 लाख रुपयों से अधिक होगी। हालांकि अभी तक इस सिलसिले में कोई व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हुआ है। एक गुप्त सूचना के आधार पर जब पुलिस वहां पहुंची तो यह जानकर उन्हें हैरानी हुई कि भांग के बैगों को पुल के नीचे जमा करके रखा गया था। पुल के नीचे गांजा माफिया ने एक गोदाम बना रखा था जहां तकरीबन 2000 किलो गांजा छिपा कर रखे हुए थे। Some contraband goods are hiding in the girder workshop on bridge located at IS colony under Jirnia police station. Evidently we have conducted raid following all the guidelines and we have recovered 1966 kg market below approx 40 lakhs. मैं अभी खड़ा हूँ जिरानिया में, एक ब्रिज के नीचे हम खड़े हैं। आप देख सकते हैं इस ब्रिज में, यहाँ पे जो ब्रिज के जो एंडिंग पॉइंट है वहाँ पे एक सुरंग है। उस सुरंग में कल यहाँ पे पुलिस ने सबसे बड़ा अपना रिसेंट टाइम में सफलता हासिल की है। इस सुरंग से होते हुए जो यहाँ पे माफिया है, गांजा माफिया है, वो एक स्टोर रूम बनाया था। उस स्टोर से कल पुलिस ने करीब करीब 2000 किलो गांजा रिकवरी किया है। पुलिस का मानना है कि रिसेंट टाइम में सबसे बड़ी सफलता है। हम फिल्मों में जैसे देखते हैं ठीक कुछ उस ढंग से ब्रिज के नीचे सुरंग बना के ब्रिज के अंदर जो स्टोर रूम बनाया गया था। कैमरा पर्सन काजल कैरी के साथ मैं तन्मय चक्रवर्ती, जिरानिया से न्यूज़ 18 आसाम नॉर्थ ईस्ट के लिए।